दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 स्थित साबन चौक पर घने कोहरे के चलते दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 की मौत और 1 दर्जन यात्री घायल हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेवाड़ी व आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में 2 चालकों की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है। दोनों शवों को बावल के उप स्वास्थ्य केंद्र में बने शव गृह में रखवाया गया है। वाहनों के आपस में टकराने से हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा राहत कार्य जारी है, जल्द ही हाईवे को सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। समाचार के लिखे जाने तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बावल के समीप जाम लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि सर्दी का सितम कब तक बरकरार रहेगा। आजाद टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। पिकअप पर कोई गाड़ी जो है साइड मारी और पिकअप पर गिरी। इस पिकअप के फटने के कारण जो है ना, एक तो गाड़ी धोने के कारण जो है, इसलिए 5-6 गाड़ी जो है ना, कैजुअलिटी भी कोई है? हाँ, एक ड्रेस कर लगी और 10-12 कोटिंग को मामले को ज्यादा है और बाकी नॉर्मल। तो एक्सीडेंट हुई, कौन कौन सी गाड़ी का? ट्रक है, बस है? दो बस हैं और दो ये ट्रक हैं। बस है, पिकअप। तो बस निजी बस है या प्राइवेट बस है? ये जी। तो 10-12 एक दर्जन आदमी घायल है? हाँ, बस इतने तो है, गाड़ी इतने तो है ही। छोटी मोटी चोट उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया था हमने उसी टाइम रात को ही। और अब ये जो ट्रैफिक को जो खुलवा रहे हैं, ये धुंध के कारण, ज़्यादा धुंध के कारण जो है ना वही है, पिकअप एकदम पलटी गई, उससे दूसरी गाड़ी टकरा गई और वो एक के पीछे दूसरी पीछे, ऐसे धुंध के कारण दर्जन भर गाड़ियाँ टकरा गई। आप 5-6 8-10 गाड़ी तो हुई ना।